जेबीएन डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ एफईएम, प्रोग्राम इज बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेम एंड कोर्स इज बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड सेशन ऑफ टुडे इज सैम्पलिंग. सो डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पल डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग, व्हाट इज सैम्पलिंग. सैम्पलिंग इज ए टेक्निक ऑफ सिलेक्टिंग इंडिविजुअल मेंबर्स और ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन टू मेक स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस फ्रॉम देम एंड एस्टिमेट करेस्टिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन. डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड आर वाइडली यूज बाई रिसर्चर्स इन मार्केट रिसर्च सो दैट दे डू नॉट नीड टू रिसर्च द एंटायर पॉपुलेशन टू कलेक्ट एक्शनेबल इनसाइट. इट इज ऑल्सो ए टाइम कन्वीनियंट एंड ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड एंड हैंस फॉर्म द बेसिस ऑफ एनी रिसर्च डिजाइन. सैम्पलिंग टेक्निक कैन बी यूज इन रिसर्च सर्वे सॉफ्टवेयर फॉर ऑप्टिमम डेरिवेशन. बच्चों, सैम्पलिंग एक ऐसी विधा, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से हम किसी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से एक छोटे से सैम्पल को लेके और सैम्पल के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो करेस्टिस्टिक्स हैं, उन करेस्टिस्टिक्स का पता लगा के इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि होल पॉपुलेशन के करेस्टिस्टिक्स भी यही होंगे. कहने का आशय ये है कि घर में मदर जब चावल पकाती है तो वो एक ही चावल को देख के होल पॉपुलेशन के पकने की क्या सिचुएशन है उसके कंक्लूजन को पहुंच जाती है. जब भी हम मार्केट से कोई ग्रेन्स, कोई अनाज, कोई थिंग्स, कमोडिटीज़ लेने जाते हैं तो उसको देखने के लिए पहले हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं. सपोज कीजिए हमको चावल लेना है मार्केट से, तो हम जो भी उसका होल अमाउंट जहाँ रखा हुआ है उसमें से एक मुट्ठी चावल लेंगे और उस एक मुट्ठी चावल को देख के हम ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि अगर वो बाइज्ड नहीं है, अगर जो शॉपकीपर है वो बाइज्ड नहीं है, उसने कोई भेदभाव नहीं किया है, होल पॉपुलेशन में से रेंडमली कोई सैंपल आपको दिया है, तो उस सैंपल की स्थिति को देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि समूची पॉपुलेशन या पूरा का पूरा जो व्हीट है, जो चावल है, उसकी क्या सिचुएशन है. इस प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस. इससे क्या है कि हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का असेसमेंट करने से बच जाते हैं और एक छोटे सैंपल से जो भी उसके एट्रीब्यूट करेस्टिस्टिक्स होते हैं वो समूची पॉपुलेशन के लिए पब्लिश किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए ड्रग मैन्युफैक्चर वुड लाइक टू रिसर्च द एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ ए ड्रग ऑन द कंट्रीज पॉपुलेशन, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट ए रिसर्च स्टडी दैट इन्वॉल्व एवरी वन. इन दिस केस द रिसर्चर डिसाइड ए सैम्पल ऑफ पीपल फ्रॉम ईच डेमोग्राफिक एंड देन रिसर्चर्स देम गिविंग हिम हर इंडिकेटिव फीडबैक ऑन द ड्रग्स बिहेवियर. सपोज कीजिए इस वक्त कोरोना चल रहा है और कोरोना का वैक्सीन दुनिया की विभिन्न विभिन्न लैब्स में बनाया जा रहा है, तो उस कोरोना के वैक्सीन को किसी एक सैंपल के ऊपर ही टेस्ट किया जाएगा. कुछ पर्टिकुलर्स, 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग, उनके ऊपर उसकी टेस्टिंग होगी और अगर उनके ऊपर टेस्टिंग से जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो ही रिजल्ट्स सारी पॉपुलेशन के लिए मान्य होंगे और वो धीरे धीरे वो चीज़ें सर्वमान्य हो जाएंगी. ये सैंपलिंग की प्रोसेस है. सो टाइप ऑफ सैंपलिंग, दीज आर द टाइप ऑफ सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज ए सैंपलिंग टेक्निक वेयर ए रिसर्चर सेट ए सिलेक्शन ऑफ फ्यू क्राइटेरिया एंड चूज मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन
randomly. All the members have an equal opportunity to be a part of the sample with this selection parameter. तो probability में क्या है कि जितने भी whole population में से किसी भी particulars को उसमें आने की equal probability रहती है. Non-probability sampling. Non-probability sampling, the researcher chooses member for research at random. This sampling method is not a fixed or predefined selection process. This makes it difficult for all element of a population to have equal opportunity to be included in a sample. यहाँ इसमें कुछ जो population के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को ध्यान में रख के उनको बैलेंस करने के लिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज ए सैंपलिंग टेक्निक इन विच रिसर्चर चूज सैंपल फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन यूजिंग ए मेथड बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. दिस सैंपलिंग मेथड कंसिडर्स एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन and form samples based on a fixed process. For example, in a population of 1000 members, every member will have 1 upon 1000 chance to being selected to be a part of the sample. Probability sampling eliminates bias in the population and gives all members a fair chance to be included in the sample. There are four types of probability sampling techniques: सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग. दीज आर द फोर टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स. सिंपल रैंडम सैंपलिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स दैट हेल्प इन सेविंग टाइम एंड रिसोर्स इज द सिंपल रैंडम सैंपलिंग. सैंपलिंग के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो समय और धन की ही बचत करना है. हम कम समय में, कम एक्सपेंस में बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का पता लगाने के लिए इस प्रोसेस का उपयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 500 एम्प्लॉई, इफ द एचआर टीम डिसाइड्स ऑन conducting team building activity, it is highly likely that they would prefer picking chits out of a bowl. In this case, each of 500 employee has an equal opportunity for being selected, or we can say in other word, it is a lottery system. So in a lottery system, everyone has equal opportunity. Cluster sampling is a method where the researchers divide the entire population into the section or clusters. यहाँ पर population के individual differences को समझ के उनको कुछ parts में divide कर दिया जाता है. उसमें demographic parameters होते हैं, है ना, age, sex, religion, location, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले उनका division करेंगे. division करने के बाद फिर उनमें सैंपलिंग की प्रोसेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन ए यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट विशेज टू इवेलुएट द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स लिविंग इन द मिनीलैंड यूएस, दे कैन डिवाइड इनटू द क्लस्टर बेस्ड ऑन स्टेट सच एज कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, मैसाचुसेट्स, कोलोराडो, हवाई ईच दिस वे एटसेट्रा. दिस वे ऑफ कंडक्टिंग ए सर्वे विल बी मोर इफेक्टिव एज द रिजल्ट विल बी ऑर्गेनाइज इन टू स्टेट्स एंड प्रोवाइड इनसाइटफुल इमिग्रेशन डाटा. तो वहाँ के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, उन इंडिविजुअल डिफरेंसेज को समझ के और फिर उनकी अलग अलग सेगमेंट में जो हम डेटा को कलेक्ट करने के बाद फिर जो एवरेजिंग करते हैं उसको हम कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग. अब सिस्टमेटिक सैंपलिंग, रिसर्चर यूज द सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड टू चूज द सैंपल मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरवल. इट रिक्वायर्स द सिलेक्शन ऑफ ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सैंपल एंड सैंपल साइज दैट कैन बी
repeated at regular interval. This type of sampling method has a predefined range, and hence this sampling technique is the least time consuming. For example, a researcher intends to collect a systematic sample of 500 people in a population of 5,000. He sees numbers each element of the population from 1 to 5,000 and will choose every 10th individual to be a part of the sample. Total population sample size 5,000 upon 500 is equal to 2. 10-10 के इंटरवल के बाद उनको हम ले सकते हैं. दिस इज द सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज ए मेथड इन विच द रिसर्चर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप दैट डोंट ओवरलैप बट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन. व्हाइल सैम्पलिंग these groups can be organized and then draw a sample from each group separately. For example, researcher looking to analyze the characteristics of the people belonging to different annual income divisions will create strata groups according to the annual family income. Example, less than $20,000, 21,000, 30, 40, 50, etc. By doing this, the researcher conclude the characteristics of the people belonging to different income group. Marketers can analyze which income group to target and which ones to eliminate to create a roadmap that would bear fruitful result. So, ऑप्टिमम रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट को पाने के लिए हम ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्टिक्स और इनके माध्यम से हम सैम्पलिंग करते हैं. तो बेसिकली ये फोर टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिनको रिसर्चर्स अपनी रिसर्च में यूज करते हैं. वी होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद दिस सेशन. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स. I will resolve it soon. Thank you very much. See you all. Mm-hmm.